ट्रेन है कोरोना में बंद की गई, मुंबई से फिरोजपुर तक चलने वाली गाड़ी संख्या 19023 व फिरोजपुर से मुंबई चलने वाली जनता एक्सप्रेस 19024 कोरोना का बहाना करके बंद किया गया था। कोरोना चलेगा ये ट्रेन अभी भी नहीं चल रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ उस ट्रेन को चलाई जाए। इसी तरह महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी बहुत इंपॉर्टेंट वो कस्बे पड़ते हैं। एक भी ट्रेन सुबह 9:30 से और रात के 7 बजे तक गंगापुर से दिल्ली के लिए आने के लिए नहीं है। वह गंगापुर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, हज़ारों हमारे बच्चे व्यापारी यहाँ आते हैं, कोचिंग का बहुत बड़ा सेंटर है, मजदूर हमारे दिल्ली में मजदूरी करने आते हैं, लाखों लोगों के इसके कारण कोरोना के कारण वो स्टॉप बंद कर दिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कोरोना के कार्यकाल में, कोरोना काल में जो स्टॉप बंद किए थे गंगापुर और सवाईमाधोपुर से दिल्ली आने के लिए, उनको पुनः चालू किया जाए। इसी तरह मैडम, जो रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। माननीय वैष्णव जी एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसपे बहुत जिम्मेवार लोग बैठे थे, एक महापुरुष थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, वो भी किसी ज़माने में रेलवे मंत्री हुआ करते थे। उनसे किन्हीं ने एक एक्सीडेंट हुआ, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा, उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेके इस्तीफ़ा दिया। मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूँ और ना इनका इस्तीफ़ा मांगता हूँ, पर ये महसूस तो करें ये किस कुर्सी पे बैठे हैं। अब लगातार एक्सीडेंट, एक हो गया, दो हो गया, तीन, किसी की जवाबदेही तय हो सरकार ये तो बना, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? राजीव प्रताप रूडी जिम्मेवार हैं या कोई और जिम्मेवार है, उसका नाम बताएं। अंत में महोदया, मेरी एक आपसे वो है, एक अनुरोध है, रूडी साहब आपको बहाना मिल गया बोलने का, ये तो रूडी तो है ही नहीं है ना, कुछ नहीं है, आपसे तो दोस्ती है इसलिए कह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, माननीय सदस्य प्लीज बैठे। मैडम आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैडम डीजी रहे हैं तो कोई अपराध हुआ अगर राजस्थान में जब आप डीजी थे या हत्या हुआ तो आपने इस्तीफा दिया था क्या? प्लीज बैठिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। माननीय सदस्य, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक रेल परियोजना है अजमेर से सवाई माधोपुर वाया टोंक, वो 2015-16 के बजट में उसका जिक्र है, आज तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सरकार से मांग करता हूँ धन्यवाद, अजमेर से वाया टोंक सवाई माधोपुर रेल लाइन को अविलंब चालू किया जाए ताकि वहाँ की जनता को लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य धैर्यशील पाटिल जी, क्या बोल रहे हैं? आक्रमण का नहीं, विक्रमी साथ व्यंदा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला, शासनाने रेलवेसाठी काढलेल्या वाढीव तरतुदीबद्दल नक्कीच बरं वाटलं, परंतु हे सगळं असताना सुद्धा सामान्य रेल्वे प्रवाशांसाठी फार यंदाच्या अर्थसंकल्पात फार काही पदरी पडलेलं दिसत नसल्याची खंत देखील वाटते। संपूर्ण जुलै 2024 महिन्यात तब्बल 8 रेल्वे अपघात झाले, रेल्वे मंत्र्यांनी ठोस पावले उचललेली दिसून येत नाहीत, या बाबतीत रेल्वे मंत्रालयाने लवकरात लवकर ठोस पावलं उचलावीत अशी माझी विनंती। माझ्या मतदारसंघातील वंदे भारत योजनेबद्दल मला बोलायचं आहे। 2023 तीन महिन्यात 40 जास्त वेळा ही रेल्वे उशिरा पोहोचली। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनची सरासरी वेगात घट झाली आहे। 2020-21 84 प्रति तास, 2023-24 76 प्रति तास, जो कि ह्या रेल्वेचा वेग 130 प्रति तास किलोमीटर असा आहे। याचे कारण काय आहे आणि त्याच्या अत्यंत महागड्या ट्रेनचा पूर्ण क्षमतेने उपयोग करण्यासाठी सरकार काही पावले उचलत आहे का?